नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप से आर टी बुक क्लास नाइन सामाजिक विज्ञान चैप्टर दो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा प्रश्न नंबर एक रूस के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हालात उन्नीस से पहले कैसे थे उत्तर रूस के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हालात और 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे थे बीसवीं सदी के प्रारंभ में पचासी प्रतिशत रूसी कृषक थे फ्रांस तथा जर्मनी में अनुपात 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत था रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था मास्को था सेठ पिंट्सवर्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1890 के दशक में कई कारखानों स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गया कामगार उनकी दक्षता के अनुसार सामाजिक समूहों में बटे हुए थे कामगार या तो गांव से आते थे या कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास करते थे इस समय किसानों की बिरादरी बहुत धार्मिक थी किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी इनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए क्योंकि सामंती अधिकारियों के कारण यह संभव नहीं था अतः किसानों की अपनी कम्यून थी जिसने धन का वितरण प्रत्येक के परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था जब कभी कामगार किसी के निकाले जाने पर या कार्य स्थितियों को लेकर नियोक्ताओं से असहमत होते थे तो विभाजन के बावजूद भी वह हड़ताल के लिए इकट्ठे हो जाते थे सन 1904 मजदूरों के लिए बुरा था आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए मजदूरी 20 प्रतिशत घट गई कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ गया बढ़ जाता था सेठ पृष्ट वर्ग के एक लाख दस हजार से अधिक मजदूर रोज के काम के घंटों को कम करने मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए प्रश्न नंबर दो उन्नीस सौ सत्रह से पहले रूस की कामगारी आबादी यूरोप के बाकी देशों के की मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी उत्तर सन १९१७ से पहले रूस की कामगार करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आते थे उनमें से कुछ ने गांव में रहना जारी रखा और शहर के प्रतिदिन काम पर जाते थे वह सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बटे हुए थे और यह उनकी पोषाकों में परिलक्षित होना था होता था धातु मजदूरों में खुद को साहब मानते थे उनके काम से ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी यद्यपि काम काजी जनसंख्या एक मोर्चे पर तो एकजुट थी कार्यों एवं नियोजकताओं के अत्याचारों के विरुद्ध हड़ताल अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस की कामगार जनसंख्या जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयाभय थी ऐसा जार निको द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उनकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी कारखाना मजदूरों की स्थिति भी उतनी खराब थी वह अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई डेट यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे अधिकतम कारखानों उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी वह अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों को मजदूरों का शोषण करते थे कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं थी जिसके कारण उन्हें दिन में बारह पंद्रह घंटे काम करना पड़ता था उनकी उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि न तो उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त और न सन 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले न ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था कुलीन वर्ग सम्राटों तथा रूणिवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी ब्रिटानी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलिनों का सम्मान सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे किंतु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार भी डाला रूस में किसान अपनी जमीन एकत्र करते और अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और उनका कम्यून उसे प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार बांट देता था प्रश्न नंबर तीन उन्नीस सौ सत्रह में जार तथा शासन क्यों खत्म हो गया उत्तर जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्ट के कारण जार का शासन 1917 में खत्म हो गया जार निकोलस द्वितीय ने राजनैतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी मतदान के नियम बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों अथवा नियंत्रण को खारिज कर दिया रूस के रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था और जनता जार का साथ देती थी जैसे जैसे युद्ध जारी रहा जार ने ड्यूमा में प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी जारीना अलेक्सांड्रा के सलाहकारों विशेषकर कर रास निराजशाही को आलोकप्रिय बना दिया रूसी सेना लड़ाइयों लड़ाइयां हार गई पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस के लगभग तीस लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए जिससे हालात और बिगड़ गए प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा वालि बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयान बंद हो गया औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा उन्नीस सौ सोलह तक रेलवे लाइनें टूट गईं अनिवार्य सैनिक सेना के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों की कमी हो गई रोटी की दुकानों पर दंगे होने होना आम बात हो गई 26 फरवरी उन्नीस सौ सत्रह को, को बर्खास्त कर दिया गया यह आखिरी दाव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया 2 मार्च 1917 को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया किसान जमीन पर सर्व के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में चला जाता था किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारक थी विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुंडा के कारण वह आमतौर पर लगान लेने से मना कर देते थे प्राय जमींदारों की हत्या करते कार्ल मॉक्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को विद्रोह के लिए उत्साहित किया प्रश्न नंबर चार दो सुविधा दो सूचियां बनाई एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं पर और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों का दर्ज कीजिए उत्तर फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधारी पेत्रोगा में हालत बिगड़ गए फरवरी 1917 में मजदूरों के क्वांट्रो में खाने की अत्यधिक किल्लत अनुभव की गई संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थी शहर की बनावट इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवान नदी के दाएं तट पर स्थित थी बाएं तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि वीटर पैलेस सरकारी भवन तथा व मॉल महल भी वहां महल भी था जहां ड्यूमा की बैठक होती थी सर्दियां बहुत ज्यादा थी असाधारण कोहरा और बर्फबारी हुई थी 22 फरवरी को दाएं किनारों पर एक कारखानों में तालाबंदी हो गई अगले दिन सहानुभूति के तौर पर पचास और कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी कई कारखानों ने, कारखानों ने में महिलाओं ने हड़ताल की अगुवाई की रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया गलियां रोटी मजदूरी बेहतर कार्य घंटों एवं लोकतंत्र की नारी लगते हुए लोगों से भर गई घुड़सवार सैनिकों की घुड़सवार सैनिकों की टुकड़िया ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा शाम तक बगावत कर रहे सैनिकों एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों ने मिलकर प्रतुवाद सुवियन नामों की सुवियन या काउंसलिंग बना ली जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ती छोड़ दी और सोवियन सोवियत तथा ड्यूमो के नेताओं ने मिलकर रूस के लिए आंतरिम सरकार बना ली फरवरी क्रांति के मोर्चों पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया था प्रोतोगात ने राजशाही का अंत कर दिया तथा इस प्रकार उन्होंने सोवियत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया फरवरी क्रांति के प्रभाव क फरवरी के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठकों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया ख खतुगत सोवियत की तहत ही सभी जगह सोवियत बन गई यद्यपि इनमें एक जैसी चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया अप्रैल १९१७ में बॉल से विको के नेता वाला दिमिर लेनिन देश निकले, देश निकाले से रूस वापस लौट गए लौट आए उसने अप्रैल थीसी के नाम से जानी जाने वाली तीन मार्गें रखी। मांगे रखी यह तीन मांगे थी युद्ध को समाप्त किया जाए भूमि किसानों को हस्ताक्षर की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए घ उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अपने रेडिकल उद्योगों को स्पष्ट करने के लिए वाल से विक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए अक्टूबर क्रांति अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार था बोल से विको के मतभेद के कारण हुई सितंबर में व्लादिमिर लेनिन के विरुद्ध के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया 16 अक्टूबर उन्नीस सौ को उसने पोर्तगाल सोवियत तथा बोल से विक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना किया मना लिया सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन सखी के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त की गई जब 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ प्रधानमंत्री केरेस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोला आरोरा नामक युद्धपोत ने विटल पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल से विको का नियंत्रण हो गया थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल सेविकों ने मास्को पेट्रोग क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया पोतगा में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की बैठक में बॉल से विको की कार्रवाई को सम्मानित से स्वीकार कर लिया गया अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः ले, लेलिन तथा उसके अधीनस्थ ट्रॉट सकी ने किया और इसमें इन नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी इसने सोवियत पर लेलिन के शासन की शुरुआत की, की तथा लेलिन के निर्देशन में बोलसेवी इसके साथ थे प्रश्न नंबर पाँच बॉल ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए उत्तर अक्टूबर क्रांति के बाद बॉल द्वारा किए गए कई बदलाव में शामिल हैं कॉल सेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ख भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वे काम करते थे ग शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए घ पुराने अभी ज्ञात ग्या, वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बौल ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियाँ पेश की छ वर्ल्ड पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड रख दिया गया छ नवंबर में संविधान सभा के चुनाव में वोल्ड की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उसके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेलिन ने सभा बर्खास्त कर दी मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने वेस्ट लिटोक्रेस में जर्मनी से संधि कर ली ज रूस एक दलीय क्षेत्र बन गया और रेड यूनिया, यूनियनों को पार्टी में नियंत्रण में रखा गया ज उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजना बनाई गई प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए कुलक ड्यूमा ग उन्नीस सौ तीस के बीच महिला कामगार घ उदारवादी उत्तर कुलक रूस के धनी किसान थे सत्तालीन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे उन्नीस सौ सत्ताईस से अट्ठाईस तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे इसलिए इन कुलकों पर उन्नीस सौ अट्ठाईस की अट्ठाइस में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया मार्क्सवादी सत्ता लीनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा के खाने की किल्लत हो गई और अंततः सत्तालीन हो सत्तालीन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिक कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी ख उन्नीस सौ पाँच की क्रांति के दौरान जार ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी रूस की इन निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा गया रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में दात्री मानी गई थी अक्टूबर घोषणा पत्र की जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महिला कामकार सन कामकार कामगार सन उन्नीस तक कुल कामखान कारखाना कामगार शक्ति का 31 प्रतिशत भाग बन चुकी थी किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था भी तो उनके परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी वह देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थी वह प्राय अपने साथ काम करने वाले पुरुषों कामगारों को प्रेरणा देती थी उन्नीस की अक्टूबर क्रांति के बाद समाज वादियों ने रूस में सरकार बनाई उन्नीस सौ सत्रह में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है उदाहरण के लिए लारेंज टेलीफोन की महिला मजदूर फॉर्म वासिलेवा ने बढ़ती कीमतों तथा कारखानों के मालिकों के मनमानी के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सफल हड़ताल की अन्य महिलाएं महिला, महिला मजदूरों ने भी माफ वासी लेना का अनुसरण किया और जब तक उन्होंने रूस की समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली घ रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरुद्ध थे वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे वे प्रति धित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त होता सु सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक नागरिक का वोट देने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए वह महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग